धनु राशि वालों, आपके जीवन की वो ऐसे राज जिसे जानने के लिए आप उतावले तो हैं पर आप जान नहीं पा रहे। कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन के बहुत सारी मुश्किलों से आपको बाहर निकाल देगा। आखिर क्यों इतने टेंशन में आ जाते हैं आप और क्यों रोते हैं छुप छुप कर? कौन सी मुश्किलें हैं जो आप नहीं कर पा रहे समाप्त? तमाम बातें जा रही है आपके व्यक्तित्व, आपके गुण अवगुण, आपके जीवन के बहुत सारे ऐसी बातें जो चलिए आज हम जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन पूर्णतया चंद्र राशि पर आधारित है। तो उसके पहले कि हम शुरुआत करें, एक और बात, हमने अपना नया वेबसाइट लॉन्च किया है granddhanmasanmark.com। आप गूगल सर्च करके आ सकते हैं, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आपको अपने बारे में बहुत सारे राज पता चलेंगे और कौन से ग्रह को बेहतर करें कि चीज़ें बेहतर हो जाए। तमाम बातें जानने के लिए वेबसाइट पर एक बार ज़रूर आइए और ज़रूर बताइए वेबसाइट कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कुछ बदलाव करना तो हम ज़रूर करेंगे, आपका बहुत स्वागत है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तब लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपके कमेंट्स का तो हमें इंतज़ार रहेगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, आपका भी भला होगा और हम भी तर जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं धनु वाले। धनु वाले जो होते हैं ना, एनर्जी से भरपूर होते हैं, उत्साह से भरे हुए होते हैं। इनको समझना इतना आसान नहीं, धनु वाले थोड़े हटके होते हैं, इनके बारे में आप जितना जानना चाहेंगे वो कम पड़ जाएगा। इनके बारे में आप जितना सोच रहे हैं वो थोड़ा कम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज जो आज हम खोलेंगे उनकी पोल। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है लेकिन परोपकारी होते हैं, ईमानदार होते हैं, दयालुता भरी होती है और इनके अंदर सीखने की प्रवृत्ति खूब होती है। अक्सर देखा गया है कि धनु वाले थोड़े से बचपन में बीमार होते हैं या बड़े पतले दुबले होते हैं, पर फिर उम्र के साथ चीज़ें बढ़िया हो जाती है। थोड़े से बातूनी होते हैं, कहने का मतलब ये गलत चीज़ों को सपोर्ट कभी नहीं करते, तुरंत जवाब देंगे, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे मुंह पे फेंकेंगे, आपकी बात आप पे ही फेंक देंगे। इस कारण बहुत बार लोग इनसे परहेज करते हैं, पर जो सही मायने में इनसे प्यार करते हैं, जो इनके नज़दीक हैं, वो समझते हैं कि धनु वालों की तरह दोस्ती निभाना, प्यार जताना, प्यार निभाना, रिश्ते निभाना और किसी को नहीं आता। तो परोपकार की भावना इनके अंदर बहुत होती है, इसीलिए बहुत सारे लोग इनके संपर्क में भी होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं और उदारता भी होती है, केयर करना इनके गुण हैं। हालांकि थोड़े पढ़ाकू होते हैं। अब जैसे देखिए, आप धनु वाले का प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा मानव है, आधा घोड़ा है आधा मनुष्य है, कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो घोड़े का है, ऊपर मनुष्य का है, और एकदम से तीर धनुष साधा रखा है, यानी लड़ाई करने के लिए एग्रेसिव। कहने का मतलब कि इनका लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता और इनके मुख से निकला हुआ शब्द भी एक बाण का ही काम करता है, क्विक जवाब देंगे, वाकपटु होते हैं, एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, और इनको बैठे रहना, आराम करना, समय बर्बाद करना इन्हें पसंद नहीं। कोई भी व्यक्ति जिस कार्य को करने में 10 मिनट लेगा, धनु वाले उसको 5 मिनट 6 मिनट में करके रख देंगे, बड़े फुर्तीले। करियर के मामलों में ये अपने लक्ष्य को लेकर एकदम बचपन से ही फोकस्ड होते हैं, हमें करना क्या है लाइफ में, एकदम से सचेत, और जब तक हासिल ना कर लें चीज़ों को प्रयास करते रहते हैं, जो चाहते हैं वो पाकर रहते हैं, इनको आप भटका नहीं सकते। और जहाँ कार्य करते हैं, चाहे नौकरी करें, व्यवसाय हो, कोई भी कार्य करें, इनको सम्मान भी मिलता है और सफलता भी मिलता है, और जिसके ये हकदार हैं उसको प्राप्त करके रहते हैं, क्योंकि इन्हें साम दाम दंड भेद सब अपनाना आता है, कब किस चीज़ का हथियार बनाना है इन्हें पता है। तो इतना आसान नहीं इन्हें तोड़ना, इन्हें झुकाना, इनका इस्तेमाल करना, लेकिन क्या करें, हैं तो हाड़ मांस के पुतले, कभी कभी इस्तेमाल भी हो जाते हैं। पर जो इनके इनके साथ जो लोग काम करते हैं, सहकर्मी हैं, आपके वरिष्ठ हैं, हमेशा आपके तर्क से संतुष्ट रहते हैं, और इनसे लोग डरते भी हैं, कहीं चार आदमी के सामने सुना ना दे, क्योंकि डरते ये किसी से नहीं है, किसी से नहीं डरते लोग, इनसे डरते हैं। नई नई चीज़ों के बारे में जानना, चीज़ों को समझना इन्हें अच्छा लगता है, और इनका जो कोई भी तरीके से चीज़ हो, ये व्यवसायी भी हैं तो हमेशा ही चीज़ों का एकदम साफ सुथरा हिसाब रखते हैं। आगे चलकर क्या होने वाला है इनको पहले से पता रहता है, कहने का तात्पर्य भविष्य के बारे में ये बहुत सारी राय ऐसा बनाते हैं जो आगे चलकर सटीक होता है, सही होता है।
तो इनके साथ जो लोग काम करते हैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत मायने रखते हैं और सामाजिक रूप से भी एक्टिव होते हैं, वैसे होते हैं रोमांटिक। इनके जीवन में प्रेम भी होता है और ये काफ़ी अस्पष्ट और खुले विचारों वाले होते हैं। हालांकि ये विश्वास करने लायक होते हैं और ये खुद दूसरों पर भी बहुत कम विश्वास करते हैं, लेकिन जिन जो भी इनसे विश्वास करना चाहते हैं या फिर जो इनसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये पूरी तरह से लॉयल होते हैं। तो ये है धनु वालों का व्यक्तित्व थोड़ा। और हम अगर विस्तार से जानना चाहें तो देखिए, धनु वाले जो होते हैं ना केयरिंग नेचर के होते हैं, बहुत केयर करते हैं, रिश्तों की परवाह करने वाले होते हैं, अपने लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के ये सब कुछ आपको दे देंगे। और जब इनका समय आता है ना तो इनका साथ कोई नहीं होता, अकेले पड़ जाते हैं। हालांकि इनमें बहुत सारे गुण भी होते हैं, जैसे कि नेतृत्व करने की क्षमता होती है, बहुत सारे लोगों को लेकर साथ चलना, कमांड करना, ये गुण इनमें होते हैं। कि इनको इनका भगवान ही कुछ ऐसा होता है कि लोग बरबस ही खींचे चले आते हैं, इनकी बातों को लोग सुनते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी है क्योंकि बृहस्पति इनके स्वामी हैं, तो महत्वाकांक्षी होते हैं, अस्पष्टवादी होते हैं, दयालु होते हैं, सारे गुण इनमें देवगुरु के आते हैं। एक और बात होती है, धनु वाले अपनी लाइफ में या तो देखिए जैसे ये अपनी लाइफ शुरू करते हैं, यानी कि कमाना, शादी विवाह, ये वो, तो या तो ये अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉपर्टी बनाएंगे या फिर इनके संतान ज़्यादा होंगे। अगर ये शुरुआत में प्रॉपर्टी बना लेते हैं तो संतान देर से होती है, संतान जल्दी हो गई तो प्रॉपर्टी देर से बनाएंगे, ये चीज़ें इनके साथ होती है। यानी जमीन, प्रॉपर्टी और संतान इनके लिए दोनों मायने रखते हैं, पर एक साथ में दोनों नहीं मिलता, एक एक करके मिलता है। कमजोरी ये होता है कि ये अक्सर देखा गया है कि प्रेम के मामलों में असफल हो जाते हैं और जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं ना, जल्दी दूसरों की बातों में आ भी जाते हैं, क्योंकि ये बड़े ही सॉफ्ट होते हैं। इनके वाणी में आप मत जाइए कि ये कड़क बोल दिए तो कड़क है, नहीं, सॉफ्ट होते हैं, जल्दी पिघल जाते हैं और इसी कारण प्रेम के मामलों में कई बार धोखा भी खाते हैं, बहुत बड़ा वाला धोखा खाते हैं, फिर संभलते हैं, लेकिन इसके बाद फिर ये संभल जाते हैं, फिर जल्दी इन्हें प्रेम के मामलों में धोखा नहीं मिलता, पर खाते हैं, एक बार लाइफ में ज़रूर खाते हैं। मध्यम कद के होते हैं, ना बहुत लंबे ना बहुत नाटे, लंबा चेहरा होता है, लंबी गर्दन होती है, इनका जो मस्तक होता है ना चौड़ा होता है, ललाट चौड़ा होता है और आँखें बादामी होती है, यानी बहुत ब्लैक नहीं होती। ये एक अच्छे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, पुलिस, सेना वगैरह में जा सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अगर व्यवसाय करें तो खूब सफल होते हैं। मित्र राशियाँ, अब जैसे कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, मेष राशि, सबसे ज़्यादा इनकी मीन राशि से बनती है, बाकी राशियों के साथ भी बनती है, तो ये इनके मित्र राशियाँ हैं। अग्नि तत्व की राशि है धनु राशि। भाग्यशाली वर्ष, उम्र के 18वें वर्ष से लेकर, यानी 18 ईयर से लेकर 37 ईयर तक ये जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, अपने बलबूते खूब सफलता पाते हैं। इस पीरियड में ये एक इतिहास ही गढ़ देते हैं। भाग्यशाली दिन बृहस्पतिवार, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इनके स्वामी हैं। भाग्यशाली नंबर 6 होता है। पसंद, अच्छा खाना पीना खाने वाले होते हैं, इनको टेस्टी खाना पसंद है, वैसे हर किसी को पसंद है, लेकिन इनका थोड़ा चॉइस अलग होता है, खाने पीने के मामलों में थोड़े अलग होते हैं। और नापसंद, बात विवाद करना बिल्कुल पसंद नहीं, जो है हटा। दूसरी बात, किसी पर आश्रित रहना पसंद नहीं, ये कहीं भी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, ये अपने पैर पर रहते हैं, यानी अपने बलबूते चीज़ों को प्राप्त करना इनको अच्छा लगता है, किसी के अधीन रहना इन्हें पसंद नहीं। यात्राएं करना पसंद है, इन्हें घूमना फिरना, मौज मस्ती करने वाला लाइफ पसंद है, ये चाहते हैं आज़ाद, एकदम आज़ाद, किसी का बंधन बिल्कुल नहीं है, बंधन में रखिए तोड़ देंगे पिंजरा, ये तो बंधन में आप इन्हें नहीं रख सकते, ये आज़ाद ख्याल के होते हैं। इनका स्वभाव और व्यक्तित्व की बात करें तो ज्ञान और गति, यानी चीज़ों का मज़ा लेने वाले, यात्रा करने वाले, थोड़े लापरवाह, थोड़े उत्साह से भरे हुए, जीवन को जीने वाले, जीवन जीने में विश्वास रखने वाले होते हैं। बोरिंग लाइफ नहीं जीते ये, कभी नहीं जीते, एक बार इनको पंख फैलाने की थोड़ी सी आज़ादी दे दो, फिर देखो धनु वाले कैसे जीवन जीते हैं और क्या कुछ कर गुजरते हैं। अगर आपके पास आसपास कोई धनु वाले हैं तो बंधन में मत रखिएगा, थोड़ी आज़ादी दे दीजिए, वो आपका नाम रोशन करके रहेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देखिए, जब ये इनकी
अच्छी तरह से आप सोची समझी गई बात समझेंगे ना, तो कभी कभी जैसे कठोर भी आपको लगेगा, पर ये कठोर होते नहीं हैं, बहुत उत्साह से बातें करते हैं, उतने ही उत्साही श्रोता भी होते हैं। आप इनको कुछ बातें सुनाइए, ये सुनेंगे भी और आपको अच्छी राय भी देंगे। तो दुनिया में घूमना, चीज़ों को देखना, लाइफ को इंजॉय करना, ये पसंद है, रोकिए मत, वरना धैर्य का बांध टूट जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा और फिर बाढ़ आप संभाल नहीं पाएंगे। निडर होते हैं, मस्ती करने वाले होते हैं, पार्टी इंजॉय करने वाले होते हैं और हर जगह के लोगों से मिलना जुलना, स्वतंत्रता से किसी तरह का समझौता नहीं करना, रिश्तों के प्रति भी यही रवैया है। इन्हें तंग हाली में जीना पसंद नहीं। ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं, पर थोड़े उदंड भी होते हैं, हर चुनौती का सामना करने के लिए एकदम से तैयार होते हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी होते हैं, पर होते हैं वफादार। कभी कभी ये अति उत्साह में रास्ते भटक भी जाते हैं और कभी कभी सीमाओं का अतिक्रमण भी करते हैं। जो भी करते हैं तेज़ी से करते हैं, तो इनके साथ तालमेल जो बिठाकर चलते हैं वो कभी कभी पीछे ही रह जाते हैं। वैसे इनके शब्दों से लोगों को प्रेरणा मिलती है, बहुत अच्छा बोलते हैं, आनंद और विश्वास की भावना दूसरों को लुभाती भी है, प्यार का दिखावा नहीं करते, ये जैसे हैं वैसे ही आप इनको अपनाइए, क्योंकि तभी आप लाइफ को इंजॉय कर पाएंगे। ये जैसे हैं वैसे ही इनको अपना कर देखिए, फिर देखिए आपका भी लाइफ स्वर्ग हो जाएगा। इनको हमेशा गिफ्ट लेना देना, शॉपिंग करना, खुद के लिए शॉपिंग करेंगे, पूरी दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए, सबके लिए कर सकते हैं शॉपिंग, क्योंकि उनको मज़ा आता है, इनकी चॉइस बहुत अच्छी होती है। विदेश घूमना भी इन्हें पसंद है और एक बार जिनसे प्रेम से गले लगा लें तो उनको फिर ये डूबने नहीं देते, हर समय हाथ संभाल कर पकड़ कर रखेंगे। तो दिखावा करना पसंद नहीं इन्हें, चीज़ों से प्यार करने वाले होते हैं और इनके तरह धनु बालों के तरह और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक पीसी भगवान बनाकर उस साचा को तोड़ चुके होते हैं। तो धनु वाले केयर करने वाले होते हैं, पर कभी कभी तकलीफ इसलिए भी आती है कि जब ये अकेले होते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई सहारा नहीं देता। शायद इनका थोड़ा सा बोलने का तरीका कभी कभी लोगों को चुभ जाता है तो लोग फिर इनको छोड़ देते हैं। तो आपको थोड़ा सा वाणी में सॉफ्टनेस भी लाना चाहिए। आप कितना भी अच्छा कर लो पर एक मीठी वाणी से लोग पिघलते हैं, आप कितना भी बुरा कर लो पर चापलूसी के शब्द में लोगों को फिर पिघला लोगे। तो इस फंडा को अपनाना नहीं है आपको, हमें पता है, लेकिन दुनिया प्यार की भूखी है, तो प्यार आप सिर्फ करके नहीं दे सकते, कभी कभी वाणी से भी टपका दें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।